इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं मिस्ट्री कुकिंग चैलेंज, जिसमें हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हिडन रहेंगे और बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमें दिए जाएंगे। दी हुई चीजें यूज करके जो सबसे अच्छी डिश बनाएगा वो होगा इस चैलेंज का विनर, और हमें जज करेंगे रवि सर। तो चलते हैं सीधा कुकिंग करने के लिए। तो हम रेडी हो चुके हैं मिस्ट्री कुक ऑफ चैलेंज के लिए। हमारे पीछे जो चीजें दिख रही है आपको, ये सब कंटेस्टेंट के लिए कॉमन है, मतलब वो सब चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे क्या है वो अभी तक हमें पता नहीं है, बहुत डर लग रहा है। और आपको बता दूं, और एक मिस्ट्री ये भी है कि हमें कुकिंग करना नहीं आता। हाँ। तो देखते हैं हमें क्या मिला है। मुझे तो धक-धक हो रहा है बाबा। सेम। इन नोमिने पात्रिस एट फिलियस। 1 2 3 गो। मैगी, पनीर और सूजी है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया है दूध। तो ये पास्ता के जैसा कुछ तो है, ये अंडे नहीं है, मशरूम है, और ये है पिज्जा बेस। तो मेरा काम तो मुझे लगता है हो गया है। मुझे यहाँ पे ब्रोकली मिली है, मटकी, कॉर्न और पास्ता मिला है। मेरे पास है पोटैटोस, ओट्स, एग्स और ये बेबी कॉर्न, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसका क्या कनेक्शन है। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। सब एक ही मतलब एक्सचेंज का ऑप्शन है क्या, कुछ इधर का उधर, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। सेटअप रेडी करते हैं चुटकी बजा के, ठीक है? 3 2 1 ये होता है ट्रांजिशन। अच्छा, हमको सिखा दिया है। मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज है, 1 2 3। देखिए, मुझे एक चीज बनानी नहीं आती, तो मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा बनाऊ, तो कुछ तो पसंद आएगा ना उसमें से। एक मेरी तो चारों चीजें इतनी ऑपोजिट है, समझ में नहीं आ रहा। शायद आज एक्सपेरिमेंट ही होगा, या कुकिंग तो होगी नहीं। वैसे मैगी छोड़ के लास्ट टाइम कुकिंग कब किया था। इमोशनल डैमेज। टॉप करते हैं स्टार्ट बनाने डिश। 3 2 1 गो। अभी मैंने ये बॉईल करने रखा है, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन ठीक है, लेट्स सी क्या नहीं यूज करना है। ये देख, दिमाग नहीं यूज करना। दिमाग छोड़ के जो यूज करना है वो तो ऐसे भी बन पड़ेगी। और मैंने काटा है प्याज, एकदम हमारी अम्मा जैसे महीन महीन काटती है ऐसे मैंने प्याज काटा है। तू सोचती रह जा, रुक मैं आगे निकल जाऊं। आराम से करूंगी, लेकिन करूंगी। बहुत ही सिंपल सी डिश बना रही हूँ, पर उतना ही अच्छा मुझे वो आता है बनाना, शायद सर को पसंद आ जाए। मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ दो डिश बनाने के लिए, तो मैं उसकी पहली तैयारी कर रही हूँ। दो डिश? ओह माय गॉड, इधर मेरा तेल गरम नहीं हो रहा। तो इसमें मैंने पहले मटकी और ब्रोकली और उसमें अभी मिर्च डाल रही हूँ, उसका मैं मिक्सचर करने जा रही हूँ। छोटे छोटे पीसेस करूंगा मैं शिमला मिर्च के, और फिर उसके बाद उसको तेल में फ्राई करूंगा। जितना स्लो ये बोल रहा है उतना ही स्लो वो काम कर रहा है, तो ठीक है। सर टाइम लिमिट है? 30% टाइम खत्म। रवि, हमारे खाने के साथ साथ कभी खाना तो अभी तक ये बॉईल नहीं हुआ है, तो तब तक मैं इसको ग्राइंड कर लेती। तू करना चाहती ग्राइंड? मैं भी बैठा मस्ती में, तू खड़ी है बिहाइंड, फिर आग लगे बस्ती में, टाइम जा रहा है मस्ती में। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तड़का बोलते हैं पास्ता सैंडविच। रुद्र तेरा हो गया? Yes. Finally, मैं मेरा और एक इंग्रेडिएंट इसमें यूज करने जा रही हूँ। अभी मैं डालूंगा इसमें मैगी। सचल बना कम रहा है और खा ज्यादा रहा है, देखो। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं गाजर। तो दोस्तों, मेरे पास और भी वक्त है,
तो मैं ट्राई करूंगा कि इस सूजी से कुछ तो बनाऊं। टडा। वैसे अपर्णा पे मुझे ट्रस्ट है, वो मेरे से अच्छा ही बना लेगी, लेकिन उसको आता है पर मुझे नहीं आता है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी उससे अच्छा करने के लिए। मैं सैंडविच में ये टाइम पास्ता भी यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे यूज करने के लिए मिला था, तो वो भी यूज कर सकते हैं, अच्छा ही बनेगा। तो मेरी जो ये पहली वाली डिश है, ये शायद रुद्र जो डिश बना रहा है उससे अच्छी बनी होगी। ये मेरा पिज्जा बन रहा है। पिज्जा बन गया, सैंडविच बन गया, पास्ता बन गया, अभी दूध का कुछ तो बनेगा। अभी मेरी जो मैं सूजी बना रहा हूँ वो टाइम तो अभी थोड़ा ही बचा है, तो शायद बने ना बने पता नहीं। और कितना टाइम है? 5 मिनट। तो मेरी सूजी नहीं बनने वाली 5 मिनट में। तो रवि सर के पास अभी दो ऑप्शन है कि वो एक के साथ भी राइस खा सकते हैं, पटाटे के साथ भी राइस खा सकते हैं, कटलेट के साथ भी खा सकते हैं। 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। ये ऐसा, ये वो जो मास्टर शेफ डालते हैं धनिया, उसके ऊपर धनिया So finally, वो घड़ी आ गई है जहाँ पे हम चारों की जो मेहनत है वो उसके ऊपर हमें समझने वाला है कि हमारी मेहनत असलियत में रंग लाई या फिर नहीं। मतलब रवि अभी जज करने वाला है हमारे फूड को। तो रवि तुम किस हिसाब से मतलब जज करोगे हमें? दिखने में तो देख मुझे सभी प्लेट्स अच्छी लग रही है। Okay. और मैंने देखा भी है तुमको बनाते वक्त कि तुमने कैसे कैसे अतरंगी तरीके से बनाया है। इंग्रेडिएंट भी मुझे पता था कि क्या क्या थे, थोड़ा सा टफ था मतलब एक्चुअली बनाना, पर दिख तो ऐसा रहा है कि बहुत ही प्रोफेशनल, मतलब ऐसा लग रहा है कि मास्टर शेफ लोग ये सब लोग। झूठ बोल रहा है। तो मैंने दो डिश बनाई है सर, तो एक का नाम मैंने रखा है हेल्दी कटलेट। यूजुअली हम पास्ता सैंडविच नहीं खाते, तो मैंने पास्ता सैंडविच बनाया है। तो अभी हम टेस्ट करते हैं अपर्णा का डिश। एक प्रोफेशनल सैंडविच तो लग रहा है, प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि कहीं मस्त रेस्टोरेंट में मैं खा रहा हूँ। हेल्दी चीज़ें बहुत बार ऐसा होता है कि टेस्टी नहीं होती है, पर इसका देखते हैं अभी क्या टेस्ट है। बहुत बहुत मस्त है, प्रॉपर। सेकंड डिश पे आते अपन, क्या नाम रखा तूने? पनीर टमाटो काकड़ी। ऐसा अभी सोचा ना तूने नाम? बहुत कुछ डाला है इसने, इतना तो पता चल गया है। देखते हैं अभी सब मिला के कुछ खराब बना है या बहुत अच्छा बना है। लास्ट जिंदा बचोगे क्या? प्रॉपर पका हुआ है, इसको खाना आता नहीं बनाना मुझे पता है, फिर भी उसने बनाया है अच्छे से। अगली डिश पे आते हैं, ये डिश मुझे कुछ सनफ्लावर वाली याद दिला रही है। साइली की डिश है, क्या नाम है इसका? मेरी डिश बहुत ही देसी है और ये है पोटैटो कटलेट विथ राइस एंड ऑमलेट। चलो तो देखते हैं टेस्ट करके कि साइली का डिश कैसे बना है। अंडा राइस अलग टाइप का, टेस्ट नहीं है सच में। ये बढ़िया बनी है। मेरे को डर क्यों लग रहा है भैया? हर एक का बोल रहा अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है। फिर भी माँ के हाथ का स्वाद है। आएगा फिर तो गया भैया। इसमें माँ के हाथ का नहीं, इसमें शेफ के हाथ का। पहले बता देता। अगली डिश जो है वो टेस्ट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो बहुत ही सही दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई 5-स्टार होटल वाले ने परोसा है प्लेट में। तो कम टाइम में उधर ने सबसे ज्यादा आइटम बनाई है। 1, 2, 3, 4 और 5। लो भैया 5 आइटम बने भाई। मैं सबका मिला के कुछ नाम नहीं दे पाऊंगा इसको, तो मैंने इसको नाम दिया कचका रखा गुप्स। तो इसमें पहले है मशरूम सैंडविच है, उसके बाद में पास्ता सैंडविच है, उसके बीच में है अक्का का पास्ता, फिर मशरूम पिज्जा। नो तो
और लास्ट में क्या बना वो मेरे को पता नहीं हो। ये आइटम मेरे को से देखा था इसका बना जो मैं डर गया लिटरली उसने दूध में जो डाला है भाई। प्लीज रुक रहे शेरी ये भी बिग पीपल ये गंदा है थोड़ा ना थोड़ा बस पास्ता का सैंडविच आ गया था भाई ओके पास्ता बहुत ही मतलब इसमें चीज इतना डाला है बस वीडियो के बीच ये भी सही है अच्छा, ये जानवी भी अच्छा बना है अरे अच्छा है ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है एक्चुअली मुझे लगा कि बहुत ही कुछ अलग रहेगा तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए उस लोगों को फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो गाइस मैंने अभी चारों डिश टेस्ट किए हैं चारों भी बहुत अच्छे बने हैं डिश पर बहुत ही मुश्किल घड़ी है अभी कि एक ही विनर चूज करना है मुझे तो विनर है अपर्णा सभी डिश भी बहुत अच्छी हुई है पर अपर्णा की थोड़ी उनसे अच्छी हुई है ज्यादा इसलिए हुआ है फर्स्ट तो गाइस मैं नहीं जीता तो मैं किसी को खाने नहीं देने वाला हूँ जो भी मुझे जीतना था लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर भी कीजिए नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए हम मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए कीप डूइंग ये जो आपको पीजे ची पीजे बस सॉस के साथ टेस्ट करो हम करने वाले हैं भाई जो मुझे बहुत भूख लगा हुआ है ऑलरेडी क्या नाम लेना है खाने का दिए हुए इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स